सर, मैं जीत का फादर उमेश कर। जीत इनिशियली डांस के लिए थोड़ा एग्रेसिव था बचपन से, थोड़ा छोटा था तब से। वंस अ डे हमने इसको एक शादी के प्रोग्राम में डांस करते देखा। हमने तुरंत सर्च किया कि इसका करियर किस में डालना है। कोइंसिडेंटली लव डांस के अंगारे ऑर्गेनाइजर, उनसे मेरा कनेक्टिविटी हुई। ये मेरे लिए अच्छी चीज थी कि मैं ऑनलाइन सर्च किया और मुझे तुरंत ही इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। और अभी मैं ईशनपुर रहता हूँ, इसकी डांस क्लास मेरे घर से करीबन 9 किलोमीटर है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे को दिन में 3 बार आना जाना पड़ता है, तब भी मैं इसी क्लास को प्रीफर कर रहा हूँ। इसका रीजन एक ही है, इनका डेडिकेशन जो बच्चे को सिखाने के लिए है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जितनी मैं इनको पे नहीं कर रहा हूँ उससे 3 गुना मैं कन्वेंस में खर्च कर रहा हूँ। ओनली एंड ओनली डेडिकेशन ऑफ डांस के अंगारा टीम एंड क्रेजीनेस ऑफ जीत, बोथ आर वेरी परफेक्ट। जब से इसको डाला है तो मुझे लगता ही नहीं कि जीत में इतना स्टेमिना है। इवन डांस क्लासेस में मैंने 2-4 बार पहले भी ट्राई किया है, मणिनगर और इधर सैटेलाइट साइड में मैंने ट्राई किया, पर वहाँ का कंसेप्ट यही कि था 1 घंटा हम सिखाएंगे, 1 घंटे बाद दूसरा बैच आता है तो आप ले ही जाना बच्चे को। मैंने कहा ठीक है, हमें नहीं मालूम था कि सिस्टम क्या होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो तेजस सर और ये जो लव सर और इनकी टीम मैडम, इन्होंने कभी टाइम को अहमियत नहीं दिया है। अंदर जो इनमें है उस चीज को बाहर लाने की कोशिश की है, और ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि मैंने डांस के अंगारे को सेलेक्ट किया। मैं बिलीव करता हूँ और मुझे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैंने सही जगह सही टाइम पर बच्चे को डाला है। और बच्चे का जो डेवलपमेंट चाहिए उसकी आइडेंटिफाई करना, रियली अप्रिशिएट डांस के अंगारे। हम लोग सोचते थे कि इसको आगे कैसे लेके जाए, अगर इसके अंदर इतनी एनर्जी है, इसके अपने आप को इतने अच्छे स्टेप कर सकता है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इसको अगर मैं थोड़ा सा गाइडेंस इसको प्रॉपरली करवा पा हम लोग, तो इसका मैं डांस में बहुत आगे ले जा सकती। इसी बीच हम लोगों ने बहुत सर्च किया लेकिन हमको प्रॉपरली कुछ मिला नहीं। बाद में मुझे एडवांस के अंगारे डांस क्लास के थ्रू लव सर के कांटेक्ट में आई। मैं लास्ट 1 साल से मैं उसको वहाँ भेज रही थी, हमारे घर में वो हमारे पास अकेला रहता था, उसके बजाय आज वो लंच लेके जाता है या कुछ भी नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी होता है वो शेयरिंग करके खाता है। उसके अंदर उसको बहुत खुशी मिलती है जो हम उसको घर में नहीं दे पा रहे थे, वो चीज़ की खुशी वो डांस में जाके लेता है। डांस के बाद उसका डेली घर आने के बाद रूटीन में भी वो डांस क्लास के बात करता रहता है सारे दिन। उससे मुझे लगता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बच्चे के लिए फैमिलियर तो है ही है। लव सर, निक्की मैम, तेजस सर और उनकी टीम पूरे का इतना अच्छा, हमको पूरी टीम का इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कि हम आज बच्चे को बिल्कुल सर के भरोसे हम छोड़ देते हैं कि नहीं सर जा रहे हैं, हम एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। कई ऑडिशंस के अंदर तो हम बच्चे के साथ गए भी नहीं, मम्मी या पापा दोनों नहीं है, बच्चा अच्छा परफॉर्म करके आता है, अच्छे कॉमेंट्स लेके आता है तो हमें बहुत खुशी होती। यही चीज है वहाँ पर, हमको बच्चे को हम भेजते हैं तो हम बिल्कुल टेंशन मुक्त रहते हैं। एक्चुअल में मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं, दोनों जॉब करते हैं, इसलिए बच्चे को हम प्रॉपरली इस चीज़ के लिए हम नहीं टाइम दे पाते। लेकिन जो हमारा टाइम देने का टाइम चीज़ है वो इसको मैम और सर पूरी कर देते हैं। क्लासेस में भी तेजस सर के अंडर ये सीख रहा है, तेजस सर इसको ट्रीट कर रहे हैं, तेजस सर एकदम छोटा भाई मान के इसको सिखाते हैं। घर आने के बाद भी ये स्टेप करने के लिए इसके अंदर एनर्जी रहती है। पहले ये था स्कूल जाके आता था थक जाता था, लेकिन जब से हमने इसको डांस में भेजा है तब से इसके अंदर इतनी एक्टिवनेस आ गई है कि स्कूल से आने के बाद जो बच्चा 6 बजे स्कूल से आता है 6:30 वो डांस के लिए रेडी होके वापस अपना मम्मा के साथ निकल जाता है, वो बच्चे की एनर्जी। उसके बाद 8:30 बजे आने के बाद भी घर पर आज मम्मा ये स्टेप किया, आज सर ने ये करवाया, वो पेरेंट्स को करके दिखाता है। ये मैं मानती हूँ कि बच्चे की बहुत बड़ी एनर्जी है, वो एनर्जी इसको सिर्फ और सिर्फ मैं मानती हूँ एडवांस के अंगारे से मिली, वहाँ की टीम से मिली है। वो यही बोलता है कि मम्मी वो सुबह से कर रहे थे मम्मी, इसलिए मेरे को भी ऐसा लगता है मैं भी कर सकता हूँ। मतलब उनके साथ वो खड़ा रह के ये सोचता है कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जितना टाइम वो पढ़ाई को देता है उतना ही टाइम वो डांस को भी देना चाहता है और देता भी है। ये सब बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखा है, हर एक चीज शेयर करना सीखा है, और तो दूसरा सबके साथ फैमिलियर होना, जो आज मोस्टली हम बहुत देखते हैं बच्चों के अंदर कि ये कम होता है, कोई बच्चा जल्दी फैमिलियर नहीं हो सकता। एडवांस के अंगारे में जाता है, एकेडमी में जाने के बाद इसके अंदर ये बहुत बड़ा चेंज आया है। जो बच्चा मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा बच्चा हेड स्टैंड करेगा या कोई ऑडिशन में जाएगा, कोई बड़े बड़े बैनर के ऑडिशन के अंदर मेरा बच्चा पांव रखेगा, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। और मैंने बहुत प्राउड फील किया जब ये लास्ट ईयर मास्टर
मिस्टर मर्जी के रॉक ऑन फिट पे गया और इसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड किया। मुझे बहुत खुशी है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एडवांस के अंगारे का ही थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि उन्हीं ने मुझे गाइडेंस दिया बच्चों को वहां तक ले जाने का, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूं। और मैं यही सोचती हूं कि आप भी अपने बच्चों को ऐसी एकेडमी में डाले जहां बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है बच्चे की, वो बाहर निकल सके, उसको परखने वाला इंसान सामने हो। यही चीज हमारे लिए आज बेनिफिट बन गई है कि हम भी ये सोचते हैं क्यों नहीं होगा, सब पॉसिबल, और सब पॉसिबल है। वो लर्म सर के कारण हम लोग इसको आगे तक ले जा रहे हैं, और जो पॉसिबल नहीं लगती थी चीज, वो भी आज हमें पॉसिबल लगने लगी। उस बच्चे को ठीक होता है या नहीं होता है, तब भी वो खुशी से ये बोलता है कि नहीं, डांस में जाना है। ये है, एक बार स्कूल के लिए वो मना कर सकता है, लेकिन डांस के लिए वो हमेशा रेडी रहता है कि नहीं, डांस क्लास मुझे जाना है। मैडम से अपने घर के बच्चे हैं वैसे, इन सब बच्चों को रखती हैं मैडम। यही एक रीजन है जिससे बच्चा एकेडमी में जाने के लिए रेडी रहता है। वो एटमोस्फियर मुझे यहाँ मिला है, और बच्चा मेरा बिल्कुल जाता है। जब नहीं जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो सर भी सामने से फोन करके बोलते हैं, बच्चा प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आया। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि सर पर्सनली किसी बच्चे के लिए ध्यान दे रहे हैं। पर्टिकुलर कोई एक बच्चा नहीं है, सभी बच्चों के लिए यही रखते हैं सर नियम। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगेन मैं लव सर, निक्की मैम, तेजस सर और उनकी टीम का बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी, जो मुझे इतनी अच्छी एकेडमी मिली है। उसकी जो लिमिट है, उसको सर ने सर्च आउट करके उसको प्रॉपर गाइडेंस कर। थैंक यू निक्की मैम, थैंक यू लव सर। हाय, मैं जीतकर, मैं एडवांस डांस एकेडमी से हूँ। मेरे को वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मैं मेरे घर पे हूँ। कभी मेरे को ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, पर ऐसा नहीं हुआ कभी। सर मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं, मैं छोटे भाई जैसे ट्रीट करते हैं। हमेशा सपोर्ट किया है, और कभी ऐसा नहीं कहा कि तू नहीं कर सकता। हमेशा सबके साथ यही चीज रही है कि आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो, आप चाहो तो आप आके देखो, डांस देखो। थैंक्स। मैं एक टीचर हूँ, उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि छोटा बच्चा है, उसको पेंसिल पकड़वाना, लिखवाना, लाइन ड्रॉ करवाना इतना मुश्किल होता है। उसमें निक्की मैम छोटे छोटे बच्चों को लेके जब डांस के स्टेप करवाती, तो अमेजिंग लगता है कि ये बिल्कुल मायने में नहीं आया कि ये छोटा सा बच्चा इतना अच्छा स्टेप करता है। कभी ये नहीं देखा है निक्की मैम को, मैं साल भर से कंटिन्यू जा रही हूँ, कभी मैडम को ऐसा नहीं देखा कि आज मैडम दुखी है या गुस्से में है या थक गई है। इस बच्चे को इस टीम ने इस तरह से रखा था, आप जाइए, आप टेंशन मत करिए, मेरे घर सोएगा, हम इसका खाना पीना सब ध्यान रखें। 3 दिन में बाहर था, इस वेज में भी उन्होंने, इनको कॉन्फिडेंस था कि ये बच्चे को कुछ कर सकता है। उसको शो में भेजिए, कंपटीशन में भेजिए। हम रात को 12 बजे हमें मैसेज मिला कि आपके बच्चे ने 3rd प्राइज जीता है। हमें वो खुशी भी ज़्यादा आज भी मुझे याद है कि हमने उस शो को मिस किया। वो कैसे होता है, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो ये टीम एक ही बात बोलती है, आपका बच्चे का कैरियर है, वो हमारे लिए, हमारा बच्चा जैसा है, इसमें कुछ है तो हम कुछ कर सकते हैं, आप भेजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। पूरे दिन सर मैंने एक बार गया भी हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर रात, सॉरी दोपहर में 3 बजे तक नंबर आता था, तो भी बच्चों को पूरा मेंटली तैयार रखते थे, थकान नहीं होने देते थे, खाना पीने का ध्यान, उसके अलावा एक्टिविटी में, मेकअप में, मतलब पूरी टीम लगी रहती है। इसमें मैं मतलब पॉजिटिव बोलना ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई हाँ ठीक है मत भेजना, कोई बात नहीं, आप जानो आपका काम देने, ये चीज़ नहीं है। वो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अगेन यही बोलूँगा कि मेरा चॉइस गलत नहीं रहा, डांस के अंदर आई अगेन थैंक्स टू डांस के अंदर टीम, एंड आई ऑलवेज से कि अगर अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिलती है तो एक बार डांस के अंदर जरूर भेजिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स।